हरे कृष्णा ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर टू ऑफ योर एसेंशियल इंग्लिश बुक ओके टूडे वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर आई फ्लोट माई पेपर बोट एंड सम एक्सरसाइजिस ओके वर्ड मीनिंग्स डे बाय डे डे बाय डे मीन्स एवरी डे प्रतिदिन फ्लोट फ्लोट मीन्स मूव इन वाटर पानी में तैराना रनिंग रनिंग मीन्स रशिंग भागते हुए स्ट्रीम स्ट्रीम मीन्स अ बॉडी ऑफ रनिंग वाटर बहता हुआ पानी स्ट्रेंच स्ट्रेंज मीन्स अनफेमिलियर स्ट्रेंज को क्या कहते हैं हिंदी में अद्भुत अनफेमिलियर लोड, लोड मीन्स वेट टू कैरी लोड मीन्स लादना किसी सामान को किसी चीज में लादना या रखना शिवली अ टाइप ऑफ फ्लावर शिवली क्या है एक तरह का फूल है ब्लूम्स मीन्स फ्लावर्स डान w एन डान मीन्स डे ब्रेक भोर या सुबह कैरिड ट्रांसपोर्टेड समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर कैर इट मीन्स ट्रांसपोर्ट करना सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना कॉम्प्रिहेंसन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए टिक द करेक्ट ऑप्शन वन आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डन द रनिंग डैश मैं अपनी कागज की नाव को तैराता हूं कहां पर तैराता हूं टैंक क्या टैंक में तैराता हूं स्ट्रीम या कार तो यहां करेक्ट ऑप्शन क्या है स्ट्रीम आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डॉन द रनिंग स्ट्रीम तो आप यहां पर क्या फील करेंगे स्ट्रीम ओके द सेकेंड सेकेंड वन इज इन बिग ब्लैक आई राइट माई नेम मैं अपना नाम लिखता हूँ इन बिग बिग ब्लैक बॉक्स क्या बिग ब्लैक बॉक्स में लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ या लेटर्स में लिखता हूँ कैसे लिखता हूँ मैं आई राइट माई नेम इन बिग ब्लैक लेटर्स तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर लेटर्स यहाँ क्या फिल करेंगे आप लेटर्स ओके okay? पार्ट बी टेक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स हियर सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फर्स्ट इज आई डू नॉट फ्लोट माई पेपर बोट्स मैं अपनी पेपर बोट्स नहीं तैराता हूं तो क्या इस लेसन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है नो इट्स रोंग दिस स्टेटमेंट इज रोंग तो हम इसे इस ब्लू बॉक्स के अंदर यहाँ सामने क्रॉस मेंशन कर देंगे ओके सेकंड वन इज आई फ्लोट माय पेपर बोट्स इन द पोन्ट पोड मीन्स होता है तालाब मैं अपनी पेपर बोट्स को तैराता हूं कहाँ पर क्या तालाब में रॉन्ग दिस स्टेटमेंट इज रोंग क्योंकि कभी अपनी पेपर बोट्स को कहाँ पर तैराते हैं रनिंग स्ट्रीम में बहती हुई जलधारा में ओके okay? तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मेंशन कर देंगे थर्ड वन इज आई लोड माय पेपर बोट्स विथ शिवली फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट कवि अपनी पेपर बोट्स पर शिवली फ्लावर्स लोड करते हैं जो कहाँ से लेकर आते हैं वे क्या फॉरेस्ट से लाते हैं नहीं वे शिवली फ्लावर्स अपने गार्डन से लाते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ रॉन्ग तो हम यहां, यहां पे रॉन्ग मेंशन कर देंगे फोर्थ वन इज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली कवि जो ये फूल उनकी बोट लेकर जा रही है वो सुरक्षित तरीके से पहुंचेगी यस दीस ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली जो फ्लावर्स वो लोड करके नाव में तैरा रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से पहुंचेंगी तो ये करेक्ट ऑप्शन है ओके okay? ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो यहाँ पर हम राइट right मेंशन कर देंगे इस ब्लू बॉक्स के अंदर ओके पार्ट सी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स आपको यहाँ जो ब्लैंक्स दिए गए हैं सेंटेंसेस में उन्हें इन वर्ड्स सही वर्ड चूज करके यहां पर आपको फिल करना है ओके फर्स्ट वन इज आई डैश माई पेपर बोट्स तो यहां करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा फ्लोट आई फ्लोट मैं तैराता हूं अपने कागज की नाव आई फ्लोट माई पेपर बोट्स सेकेंड वन इज आई फ्लोट माई डैश बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम तो पेपर बोट्स यहां पर क्या आएगा पेपर आई फ्लोट माय पेपर बोट्स कौन सी बोट्स हैं पेपर बोट्स ओके थर्ड वन इज आई होप दैट समवन इन डैश विल फाइंड देम कभी जो है वो आशा करते हैं कि किसी को ये बोट्स किसी स्ट्रेंज प्लेस पर मिलेंगी ओके okay? तो यहां क्या फील करना है हमें आई होप दैट सम वन इन स्ट्रेंज लैंड यहां पर आप फिल करेंगे ओके फोर्थ वन इज आई डैश माई बोट्स विथ शिवली तो आई लोड आई लोड माई बोट्स विथ शिवली वे अपनी बोट्स पर क्या लोड करते हैं शिवली फ्लावर्स लोड करते हैं वे तो यहां पर क्या वर्ड मिसिंग है लोड तो आप यहां फिल करिएगा एल ओ ए डी लोड ओके पार्ट डी आंसर दीज क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन के यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं उनके आंसर फिल करने ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू द चाइल्ड फ्लोर डे बाय डे जो बच्चा है कविता में जो बच्चे के बारे में चर्चा हो रही है वो क्या तहराता है तो आंसर इज द चाइल्ड फ्लोट्स द पेपर बोट्स डे बाय डे बच्चा क्या तैराता है पेपर बोट्स को तैराता है ओके okay, तो यहां क्या लिखना है हमें द चाइल्ड फ्लोट्स द पेपर बोट्स डे बाय डे सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट डज द चाइल्ड राइट ऑन द बोट्स बच्चा बोर्ड्स पर क्या लिखता है द आंसर इज द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड हिज विलेज नेम ऑन द बोर्ड्स बच्चा पेपर बोर्ड्स पर अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है थर्ड क्वेश्चन इज वॉट डज द चाइल्ड होप वाइल्ड राइटिंग हिज नेम बच्चा जो है वो बोर्ड्स पर अपना नाम क्यों लिखता है द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो हु इज ही जो बच्चा है वो सोचता है कि जब किसी स्ट्रेंज प्लेस पर किसी को वो नाव मिलेंगी तो उसे पता चलेगा क्या पता चलेगा उसका नाम और उसके गाँव का नाम ओके okay? कि वो कौन है और किस गाँव का है द फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट डज द चाइल्ड लोड इज बोट्स विद अपनी पर बच्चा क्या लोड करता है तो सो द आंसर इज द चाइल्ड लोड इज बोट्स विद शिवली फ्लास्क बच्चा अपनी बोट पर क्या लोड करता है शिवली फ्लास्क को लोड करता है ओके okay? तो आज आप इस लेसन के वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे उन्हें मेमोराइज करेंगे अपनी कॉपी में आप इन वर्ड मीनिंग्स को और क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करेंगे और बाकी की जो एक्सरसाइजिंग है रिमेनिंग एक्सरसाइजेस वो आपको बुक में ही करनी है सो डू योर होमवर्क एंड इंजॉय योर डे ओके हरे कृष्णा